आपने देश के किसानों के संवेदनशील मुद्दे पर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। महोदय, हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का वर्ष 13-14 में भी भुगतान नहीं हुआ और आज भी स्थिति जस की तस बनी है, जबकि भारतीय गन्ना एक्ट में 10 दिन के अंदर जो है भुगतान हो जाना चाहिए। 10-15 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया जाता है तो उस पे 10% का ब्याज होता है। हमारे उत्तर प्रदेश में 9 ऐसी चीनी मिले हैं जिन पर 6.5 करोड़ का बकाया है। महोदय, गन्ना किसान बहुत उम्मीद लेकर के गन्ना लगाता है, वो अपने बच्चों की पढ़ाई कराना चाहता है, अपने बच्चों का ब्याह कराना चाहता है, दवा इलाज कराना चाहता है, लेकिन मिलों की संवेदनहीनता और उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के प्रति संवेदनहीनता के कारण आज भी हमारा किसान, गन्ना का किसान बदहाली की स्थिति में है। मिलों की रवैया जो है वो दिन ब दिन जो है किसानों को परेशान करने की है। एक तो उनके गन्ने को लेते नहीं है, रफ वैरायटी बता करके उनको वापस कर दिया जाता है, घटतौली के माध्यम से शोषण करते हैं, उनको समय समय पर सेंटरों पर जाकर के उनका भुगतान करना और उनको प्रताड़ित करना ये गन्ना मिलों का एक कार्य बन गया है। महोदय, हमारे संसदीय क्षेत्र पुआया में साधन सहकारी की एक चीनी मिल है, उस पर करीब कई वर्षों पहले जबरदस्ती वहाँ के कर्मचारियों को बियारस दिला दिया गया था और आज भी उनके बच्चे बेघर हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन उनका भुगतान नहीं किया और आज जो किसी तरह से मिल को चलाया गया तो उनको वो चाहते हैं कि हमको रखा जाए जब मुझे जबरदस्ती निकाला गया था। तो मेरी आपसे ये आग्रह है कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि उन बेघर हुए जो वहाँ पे कर्मचारी थे उनको पुनः जो है उनकी सेवा में बहाल कराएं और हमारे किसानों का गन्ने का भुगतान शीघ्र कराने की व्यवस्था करें, और अगर 10 दिन के अंदर नहीं भुगतान किया है तो उनका जो है उन पे कार्रवाई करें। यह हमारे आपसे इस सदन के माध्यम से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको बोलने का अवसर दिया।